नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है यही, उसके साथ साथ उन अकाउंटेंट भाई लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी जस्ट किसी कंपनी में अकाउंटिंग जॉब की शुरुआत करी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी हम टेली सॉफ्टवेयर में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की एंट्री को किस प्रकार से करते हैं या फिर जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी की एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से इंश्योरेंस के हमें लेजर क्रिएट करने होते हैं और उसके बाद में हमें उनका ग्रुप सिलेक्शन क्या रखना होता है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के मन में इंश्योरेंस की बातों के लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूज होता है। कोई इसको खर्चा समझता है, कोई इसको इन्वेस्टमेंट समझता है, तो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना होगा, तभी आप प्रॉपर सारी बातें अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस की, यानी कि कितने प्रकार के इंश्योरेंस की एंट्री हम बिजनेस की अकाउंटिंग में करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है लाइफ इंश्योरेंस की और सेकेंड आता है जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कौन करवाता है? जो फर्म का यानी कि जो कंपनी का मालिक होता है उसका खुद का बीमा। और जनरल इंश्योरेंस के बाद में किसकी बारी आती है? जैसे हमारी बाइक्स का, कार का, गोडाउंस का, शॉप का, ये जो हमारे इंश्योरेंस होते हैं, चोरी के लिए बीमा हो गया, किसी के मतलब किसी दुर्घटना के लिए कोई बीमा हो गया, दुर्घटना किसकी पर्सनल व्यक्ति के नहीं बिजनेस से रिलेटेड, तो उनको हम जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, LIC को एक बीमा समझते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, LIC एक कंपनी है, जैसा कि हमारा SBI कंपनी है, HDFC कंपनी है, बजाज एक कंपनी है, इसी तरीके से LIC भी एक कंपनी है जो कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो सेल आउट करती है। तो अब हम हमारी इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो किसी भी कंपनी की भी हो सकती है, वो LIC की भी हो सकती है, बजाज, SBI, HDFC किसी की भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी उस इंश्योरेंस की पॉलिसी की एंट्री हमें किस प्रकार से करनी है और लेजर किस प्रकार से क्रिएट करने होते हैं। तो दोस्तों, अब लाइफ इंश्योरेंस में हमारा क्या आ जाता है, जैसे हमारा कोई टर्म प्लान्स हो गया, क्योंकि इसमें लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी अलग अलग टाइप के प्लान आपको देखने को मिलते हैं। पहला प्लान, आपका जितना भी आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है वो विद इंटरेस्ट के साथ मेच्योरिटी के टाइम में रिफंडेबल होता है, और कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। अब रिफंडेबल का मतलब क्या हो गया भी, वो जो आपने इंश्योरेंस, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं LIC कंपनी का, यानी कि आपने LIC की कंपनी के अंदर कोई भी इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, प्लान आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मंथली आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, चाहे आप हाफ ईयरली करते हो, चाहे आप ईयरली करते हो, वो कोई मैटर नहीं रखता, डिपेंड ये करता है भी जो आपने इन्वेस्टमेंट एक तरीके से आप कर रहे हो LIC के अंदर, वो पैसा आपको मेच्योरिटी के टाइम में विद इंटरेस्ट है जो मिल जाता है। अब इसके लिए आपकी कंडीशंस होती है, पॉलिसी आपको फिलअप करते वक्त भी आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, कितने टाइम के लिए आप अपना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और एक होता है नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब भी वो जो इंश्योरेंस है वो आपका पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसा कि हमारा कुछ विशेष ऐसी जो गंभीर बीमारियों के लिए होता है या कुछ ऐसी दुर्घटना की केस में होता है, यानी कि अगर उस दौरान अगर आपने उसका कोई क्लेम नहीं लिया तो उसका आपको कोई रिफंड नहीं मिलता। मान लीजिए आपके जैसे कोई बहुत सारे ऐसे मतलब व्यक्ति होते हैं जो अपनी मतलब शरीर को या अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे आपने कोई टर्म प्लान्स ले लिया 1 साल का, यानी कि आप 1 साल के लिए 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या 20,000 रुपये की किस्त जो आप पे करते हो, लेकिन अगर उस दौरान आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई है तो आपको वो पैसा रिफंड नहीं होगा, तो नेक्स्ट ईयर से आपको वापस उसी को नए सिरे से रिवेन्यू करना पड़ता है। और LIC जो हमारी होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है जब तक हमारा वो मेच्योरिटी का टाइम ना आ जाए। और जनरल इंश्योरेंस के अंदर हम बात करें तो उसके अलावा जो हमारे जैसा गाड़ी का, कार का, मतलब बाइक का, शॉप का, गोडाउन का, जो हमारे इसके अलावा जो इंश्योरेंस बच गए उसको हम जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है अगर हमें
LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, अगर हमें वैसे बोलते हैं हम LIP यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। LIC एक कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो है वो एक कंपनी का नाम है, और LIP यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों LIP यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम किसको कराएंगे, जो कंपनी का मालिक होता है उसका होता है। अब मान लीजिए कंपनी का मालिक है, जैसा कि हमने इस कंपनी के अंदर फर्म का नाम है नरेश ट्रेडर्स, और जो प्रोपराइटर है उसका नाम है नरेश कुमार। अब नरेश कुमार ने मान लीजिए अपना खुद का बीमा करवाया हुआ है। अब बीमा टर्म प्लान्स का भी हो सकता है, रिफंडेबल भी हो सकता है, SBI से हो सकता है, HDFC से, किसी से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वक्त हमें लेजर किस प्रकार से क्रिएट करना होता है। अब मान लीजिए आपने LIC से ही बीमा करवाया है, तो LIC से जब हम बीमा करवाएंगे तो LIC हमें क्या करती है, एक बॉन्ड देती है, जिसको हम कह सकते हैं भी हमारे पास एक प्रमाण पत्र है भी हमने LIC से इंश्योरेंस करवा रखा है। वो पॉलिसी की डिटेल्स होती है जिसके अंदर हमारा पूरा एड्रेस डिटेल्स वगैरह, पॉलिसी की अमाउंट्स क्या रहेगी, कितने साल से बाद मतलब हमें मैच्योर होगा, कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, कितना विद इंटरेस्ट हमें पैसा मिलेगा, यानी कि सब कुछ उस पॉलिसी के ऊपर मेंटेन होता है। तो हम करते क्या हैं, जनरल एंट्री क्या करते हैं, वैसे सबसे पहले हम चलते हैं वाउचर पर, या सबसे पहले हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेज़र पर हम जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर करा देंगे LIP। अब मान लीजिए अब LIP इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी दो या तीन अलग अलग कंपनी से भी हो सकती है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है खाली LIC से आप करो। जैसे मान लीजिए एक आपने पॉलिसी जो ले रखी है वो LIC से भी ले रखी है, और एक आपने SBI बैंक से भी ले रखी है, HDFC से भी ले रखी है, और अदर बजाज कंपनी से ले रखी है, बहुत सारी कंपनियाँ, रिलायंस वगैरह। तो मान लीजिए अपने दो अलग अलग कंपनीज है, LIP ऑफ हम लिख देख रहे हैं LIC का। तो ये अब हमारा क्या रहेगा, एक तरीके से वैसे तो ये हमारी होती है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं भी, वो पैसा हमारा सेफ हो रहा है, उसके बाद हमें कभी न कभी तो वो पैसा मिल ही जाएगा। और एक होता है एक्सपेंसेस, जो एक बार चला गया उसका वापसी का कोई चांस नहीं है, तो वो हमारा होता है एक्सपेंसेस। तो अब भी हमने LIC कराई है, ये रिफंडेबल होती है, तो वैसे तो ये पर्सनली व्यक्ति की है, यानी कि जो फर्म का मालिक है उसकी होती है, तो इसलिए हम इसका जो ग्रुप सिलेक्शन रखने वाले हैं वो रखेंगे कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद के अंदर अब LIP जैसे कि हमारे पास इंश्योरेंस आ गया तो हम इसको रख देंगे एक बारी अनरजिस्टर्ड, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मान लीजिए आपने जो हमारी कंपनी है LIC उसका लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। LIC हमने एक LIC का भी लेजर क्रिएट हमने कर दिया। तो अब LIC अब हमारे लिए एक तरीके से ये सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि हमने इनसे पॉलिसी परचेज करी है, तो एक तरीके से हमारे ये सैलरी क्रेडिटर हैं, तो हम इसको सैलरी क्रेडिटर में तो रख नहीं सकते, इसलिए हम इसको रखेंगे करंट लाइबिलिटीज में। अब सैलरी क्रेडिटर में हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमने इनसे कोई गुड्स परचेज नहीं किया रीसेल पर्पज से, क्योंकि लेकिन हालांकि हमारी है ये देनदारी, करंट लाइबिलिटीज हमारा देनदारी का पार्ट आता है, सैलरी क्रेडिटर भी हमारा देनदारी का ही पार्ट होता है। तो इसलिए हम और क्रेडिटर हम किसको रखते हैं, ऐसी कोई भी कंपनी है जिससे हम जो हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट को हम वापस रीसेल पर्पज से हम खरीदते हैं, यानी कि उसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। अब LIC तो हमारा करंट लाइबिलिटीज है, इसको हम रखेंगे। अगर आपने इसका कोई LIC से जो हमारे पास पॉलिसी आती है उस पॉलिसी के ऊपर जो GST हमारा चार्ज होता है, अगर आप उसके लिए क्लेम करने के लिए आपकी कंपनी एलिजिबल है तो आप इसको रेगुलर में रखोगे, अदरवाइज उसका मतलब बाकायदा उसका GST नंबर वगैरह भी हमें यहाँ पे सारा कुछ फिलअप करना होता है। तो एक लेज़र हमने LIC कंपनी का और एक LIP ऑफ LIC का, और एक हम लेज़र क्रेडिट करेंगे भी LIP ऑफ बजाज। तो ये हमारे लिए कैपिटल का है, तो इसको हम रखेंगे कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद में एक बजाज कंपनी का लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, या बजाज इंश्योरेंस के नाम से लेज़र क्रिएट कर दिया, और ये रखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ में। अब मान लीजिए हमने पॉलिसी हमारे पास आ चुकी है, तो इसकी जर्नल एंट्री हमें किस प्रकार से करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमारे पास LIP थी तो LIP ऑफ हम करेंगे यहाँ पर बजाज को चल कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने 5000 रुपीज़ की पॉलिसी हमने मतलब करवाई है, तो LIP ऑफ बजाज को हम करेंगे LIP ऑफ बजाज को तो हम डेबिट करेंगे, और बजाज इंश्योरेंस की जो कंपनी का लेजर हमने क्रिएट किया था उसको हम कर देंगे क्रेडिट। और इसी तरीके से LIC वाले को भी हम करेंगे, मान लीजिए हमारी 10,000 रुपये की पॉलिसी है, और यहाँ पर हम LIC का जो हमने लेज़र यहाँ पर क्रिएट किया है LIC को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर नरेशन के अंदर पॉलिसी का नंबर वगैरह सब कुछ हम मेंटेन कर देंगे। तो अब क्या हुआ, वापस बैलेंस शीट पे हम चलते हैं।
तो जैसे हम बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आप देख रहे हो ये दो अमाउंट आपको LIPF ऑफ बजाज और LIPF ऑफ LIC यानी कि ये 15,000 रुपये आपके कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब आपकी कैपिटल रह जाएगी 85,000 की, क्योंकि ये इसका पर्सनली एक्सपेंसेस है, कोई बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, ये कोई बिजनेस का जो बीमा है वो नहीं करवाया हुआ। तो इसको हम रखेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो ये कैपिटल में से इसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। अब बात आती है हमारी करंट लाइब्रेरीज की, दो जो हमने लेजर क्रिएट किए थे अभी हमारे करंट लाइब्रेरीज की कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। अब इनको हमें पेमेंट करनी है। अब पेमेंट आप बाई चेक कर सकते हो, कैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बाई चेक पेमेंट करते हैं तो वाउचर पे हम जाते हैं, उसके बाद पेमेंट वाउचर पे हम चलते हैं, तो उसके बाद जैसा भी हमारे पास बजाज इंश्योरेंस का लेजर है 5,000 इसके क्रेडिट आ रहे हैं तो हम इसको डेबिट करेंगे। और उसके बाद के अंदर अगर आपने कैश के थ्रू पेमेंट करी है तो हम इसको कैश दे सकते हैं, चेक दिया है तो कौन से बैंक का चेक दिया उस बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। और इसी तरीके से LIC के लेजर को ये 10,000 रुपये क्रेडिट है तो 10,000 रुपये हम डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से ही हमने दो ट्रांजेक्शन पास कर दिए हैं। तो ये तो था हमारा जनरल इंश्योरेंस का। अब मान लीजिए कुछ ऐसे टर्म्स प्लान्स भी है, टर्म्स प्लान्स की एंट्री तो हम करते हैं क्योंकि हम उन सभी प्लान्स को हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं जिसका फायदा हमें इनकम टैक्स की रिबेट के अंदर मिलता है, ATC के अंदर उसकी डिडक्शन, ATC ATD के अंदर हमें जिसकी छूट हमें इनकम टैक्स में मिलती है, तो वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट के अंडर में रहेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। अब जनरल इंश्योरेंस मान लीजिए आपकी कोई फर्म है, कंपनी है, अपने दुकान का ही मान लीजिए आपने बीमा करवा दिया, चोरी का, किसी भी टाइप की दुर्घटना का, तो उसके कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक लेजर यहाँ पर अलग से क्रिएट करेंगे। क्रिएट पर हम जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, हमारे हम यहाँ पर लिखेंगे शॉप इंश्योरेंस। शॉप इंश्योरेंस क्योंकि अलग अलग टाइप के हो सकता है, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, गोडाउन इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, तो हम अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस के लेजर है जो क्रिएट कर देंगे। अब ये जो इंश्योरेंस होते हैं ये हमारे नॉन रिफंडेबल होते हैं, अगर साल के दौरान हम अगर कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमें क्लेम मिल जाता है, अदरवाइज इसका जो अमाउंट है वो साल के दौरान लैप्स हो जाता है, तो हमें नेक्स्ट ईयर से फिर एक नई पॉलिसी क्रिएट करनी होती है। तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो उसके बाद जैसे अगर आपकी कंपनी इसका जो क्लेम जो GST लग के आता है, CGST और SGST या फिर IGST, अगर आपकी कंपनी उसका ITC लेने के लिए एलिजिबल है तो आप इसको एप्लीकेबल करोगे GST एप्लीकेबल को, अदरवाइज आप इस एक्सपेंसेस को नॉट एप्लीकेबल रखोगे। और उसके बाद में जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है उसका भी लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये जो इंश्योरेंस हमने करवाया था बजाज से करवाया था, तो वैसे तो बजाज का लेजर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो हमें बारी बारी अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी एंट्री हमें किस तरीके से करेंगे, बाई द मान लीजिए आपने स्पेशल जैसे इसके चेक के थ्रू पेमेंट करिए, तो हमें जो शॉप इंश्योरेंस का लेजर हमने क्रिएट किया इस अमाउंट को हम डेबिट करेंगे। मान लीजिए ये अमाउंट आ गई 4,4500 रुपये की, और ये हमने बजाज से ही करवाया है तो बजाज इंश्योरेंस को हम क्रेडिट करेंगे, और इसके नरेशन के अंदर हम सारी वो पॉलिसी का नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल मेंशन कर देंगे। और उसके बाद में जब हमें बजाज इंश्योरेंस को पेमेंट करनी होगी तो पेमेंट वाउचर पे हम जाएंगे और यहाँ पर बजाज इंश्योरेंस की जो लेजर है उसको वापस डेबिट कर देंगे, 4,500 रुपये इसको डेबिट करेंगे। और अगर आपने कैश के थ्रू पेमेंट किया तो कैश, अगर आपने किसी चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो सेम वही प्रोसेस हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, और इस तरीके से इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से आप कार इंश्योरेंस का लेजर बना सकते हो, बाइक इंश्योरेंस का लेजर बना सकते हो। तो ये ताकि आपके अब ये लेजर का इफेक्ट हमें काम देखने को मिलेगा शॉप एक्सपेंसेस का, जब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ये शॉप इंश्योरेंस का जो है क्लेम है वो दिखेगा। क्योंकि अब इस इंश्योरेंस को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों रखा है, कैपिटल में क्यों नहीं रखा, क्योंकि एक तो ये हमारा कोई पर्सनली बीमा नहीं है, ये हमारी शॉप का कंपनी का बीमा है, तो और ये दूसरा नॉन रिफंडेबल है, तीसरा इसका हमें कोई इनकम टैक्स में किसी भी टाइप की कोई रिबेट है जो नहीं मिलती है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब वैसे तो हमारा कहे कि भी टर्म इंश्योरेंस है वो भी नॉन रिफंडेबल है, लेकिन नॉन रिफंडेबल जरूर है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें जो प्रोपराइटर है फर्म का कैपिटल अकाउंट है उसको इनकम टैक्स में रिबेट जरूर मिलती है ATD के अंदर, इसलिए इसको हम कैपिटल अकाउंट के अंडर में रखते हैं ताकि हमें उसकी इन्वेस्टमेंट की छूट हम ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग LIC वगैरह को जो मैच्योरिटी के टाइम में इन्वेस्टमेंट होती है उनका इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ग्रुप रखते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो लास्ट में मैच्योरिटी के टाइम उसको हम वापस क्रेडिट कर देते हैं, और बैंक में जो हमारे पास पैसा रिफंड होकर आता है बैंक को हम वापस डेबिट कर देते हैं।
तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।